नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़ी यूट्यूब न्यूज़ चैनल एचटीज को। लगातार जिस तरीके से बाढ़ का पानी बिहार के लोगों के लिए एक आफत बन चुका है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, इसको लेकर के अब राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू होगी है। बिहार के एक बड़े समाजवादी नेता शरद यादव आज दौरा करने वाले हैं बिहार के उन सभी क्षेत्रों का जहाँ पर आफत में जूझ रहे हैं। ज़रा सुनिए शरद यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं और जो भी देखेंगे तो वो सरकार को देंगे। स्थिति तो भयावह है, इतनी मौतें हो गई है, इसका सलूशन तो आज की शताब्दी में तो होना चाहिए ना। बहुत बड़े पैमाने पर ये संकट है, इसका समाधान भी होना चाहिए। अब दोनों सरकारें, भारत सरकार और राज्य की सरकार, दोनों एक ही है, नेपाल से बात करना चाहिए। अब मैंने कहा ना, हम फिर कारगर पहल होती तो हम काय को ले आते हैं, कारगर पहल होना चाहिए। नीतीश कुमार 6,000 रुपये, ऐसा है ना कि इस त्रासदी से मुक्ति चाहिए। ये वन टाइम काम नहीं है। बिहार में जो बाढ़ है वो एक तबाही है, उस तबाही का परमानेंट सलूशन निकलना चाहिए। अब उसमें रात के रास्ते कुछ बांटते हैं, कुछ देते हैं, वो तो एक बात अलग है, लेकिन इसका सलूशन जो है वो कारगर होना चाहिए। और दुनिया आज थी एडवांस हो गई, इसके बाद भी हम लोग इसका माप रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। अब साउथ बिहार सूखा है और बेकार पानी जा रहा हो, तो सुनते आ रहे हैं नदियाँ जोड़ी जाएंगी, तो दोनों इलाके पानी से सराबोर हो जाते। इन स्कीम बनाना चाहिए, नेपाल से बात करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 70 बरस में जो अच्छाई और एक रास्ता पूरे देश ने निकाल कर रखा था, उस सारे आपने शरद यादव को सुन लिया किस तरीके से उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार को जल्द से जल्द कोई एक अच्छा उपाय ढूंढना चाहिए। जो लोग अस्त व्यस्त हैं, उनका जीवन, कितने सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या सरकार इस पर कुछ कर रही है। हालांकि 6,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है, जब यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वन टाइम सॉल्यूशन नहीं निकलना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमेशा के लिए ठीक हो सके। बिहार का एक भाग जहां सूखे से ग्रस्त है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ का पानी जमा है, तो नीतीश कुमार की सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। एक बार 6,000 रुपये दे देने से कोई राहत नहीं मिलता है। तो इस राजनीति पर क्या जो लोग हैं उन्हें आराम मिल पाएगा, क्या ये राजनीति खत्म होगी या फिर आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार कुछ और घोषणाएं करेंगे। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।